नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करूंगा नेपाल पीजी के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं, मेरी मोस्टली वीडियो जो नेपाल के ऊपर होती हैं पूरी फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जो डॉक्टर्स हैं जो पीजी के लिए देख रहे हैं, जो नीट पीजी में फेल हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन, और जिन ने इस साल नीट पीजी का फॉर्म नहीं डाला उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि नेपाल पीजी का है। अब नेपाल पीजी में जैसा कि मैंने बताया था कि आपको फॉर्म वगैरह 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत लोग पूछे थे सर नहीं मिल रहा है, क्या चीज़ें हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो मैंने कहा था कि 30 सितंबर से आपका 19 अक्टूबर तक का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा नेपाल पीजी का, और आपका एग्ज़ाम मोस्टली नवंबर के मिड या फिर लास्ट तक जाएंगे। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, और आपकी नेपाल की नोटिफिकेशन भी आ गई है जिसकी जो डेट है वो 26 नवंबर दी गई है एग्ज़ाम डेट MD-MS के लिए। और जो कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे MD-MS के लिए, वो आपके IUM और BP कुराला के लिए मोस्टली लोग भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी PG इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, और जाहिर सी बात है कोई भी रिकॉग्नाइज ब्रांच ही लेना चाहेगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, और इन फ्यूचर आपके लिए मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड क्वायरीज हैं नेपाल पीजी या फिर MD-MS इंडिया के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक यादव आपकी पूरी हेल्प करूँगा काउंसलिंग और एडमिशन तक। तो मैं बता दूँ जो नेपाल की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी आई हुई है एग्ज़ाम डेट की, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेडिकल एजुकेशन कमीशन कॉल्स फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स इन मेरिट बेसिस फॉर द फॉलोइंग हेल्थ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रन बाय ऑल यूनिवर्सिटीज़ एफिलेटेड कॉलेजेस एंड हेल्थ एंड साइंस एकेडमिक थ्रू आउट द कंट्री। अप्लीकेशन इज कॉल्ड फॉर्म ऑल एलिजिबल नेपालीज एंड फॉरेन कैंडिडेट्स फ्रॉम September 30। जैसा कि मैंने बताया था कि 30 सितंबर से अप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा टू November 2, 2022 टिल 5 PM थ्रू वेब पोर्टल ऑफ मेडिकल एजुकेशन कमीशन। आपको वेब पोर्टल दे रखा है, उसी के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले मैं बता दूं आपको, MD-MS डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए, या फिर MD आयुर्वेदा उसके लिए, या फिर मास्टर ऑफ नर्सिंग MSc नर्सिंग, या फिर मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो दी गई है यहाँ पे, वो 26 नवंबर की। और बाकी आपका MPH MSc PH ये इसकी बाकी आपके 27 नवंबर, बाकी डेट्स आपको फॉलोइंग दिख सकते हैं। बाकी हम बेसिकली जो मोस्टली जो हम बात करेंगे वो MD-MS की बात करेंगे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी के ऊपर, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है इस समय नेपाल पीजी के ऊपर, जो डॉक्टर्स इस साल जो नीट पीजी फेल अनफॉर्चुनेटली हो चुके हैं या फिर कम स्कोर है और इंडिया में उनका बजट बहुत हाई जा रहा है, तो वो नेपाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं लो बजट में। IUM एक पहली प्रेफरेंस होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की, क्योंकि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कम है। अगर फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर इन्फॉर्मेशन दी है मैंने BP कुराला और IUM के बारे में कि क्या फ़ीस जा रही है और क्या आपको इस साल पे करना पड़ सकता है। तो खैर, ये रही बात आपकी जो एग्ज़ामिनेशन की है, चीज़ें क्या हैं, कैसे होनी है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आ चुकी है, अब हमें क्या आगे फॉलोअप स्टेप लेना है, क्या चीज़ें रहेंगी। मैं बता दूँ नेपाल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप इन फ्यूचर PG के लिए देख रहे हैं, क्योंकि नेपाल एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसकी PG हमारे इंडिया में डायरेक्टली वैलिड है। आप डायरेक्टली वहाँ से PG कर इंडिया में आप थ्रू आउट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये रही खैर आपकी बात MD-MS की। तो अगर आप एडमिशंस के लिए देख रहे हैं MD-MS ब्रांच में, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, MS-ENT, ऑब्सगाइनी, डर्मा, रेडियो मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, तो आप ज़रूर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें। मैं एक यादव फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या बारीकियां रहेंगी और क्या पैकेज आपका जा सकता है अगर आप नेपाल के लिए एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगा कुछ नए इन्फॉर्मेशन और नए टॉपिक पर।